हेलो दोस्तों, राम राम जी। तो आज है मेरा बर्थडे, तो मैं आया हूँ केक लेने के लिए बाज़ार में। आप देख सकते हैं इस दुकान पे बर्थडे का सारा सामान मिल जाता है, कहीं दूसरी दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी दुकान है ये, और इस पर हर सामान मिलता है। यहाँ पर मेरा सामान पूरा हो चुका है, मेरा केक भी रेडी हो चुका है। अब चलता हूँ मैं ठीक घर की ओर। देखिए मैं आऊँ घर में लेने, उमर ने घर में सबको बोल दिया है कि आज मेरे जन्मदिन में सबको आना है। ये गुरुद्वार उसी से निकल जा रहे हैं। तो देखिए गुरुद्वार सिंह की मेरे साथ आ चुके हैं, और भैया का बर्थडे बन रहा है। फर्स्ट टाइम केक कट रहा है। बर्थडे तो मैं पहले मना चुका हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम केक कट रहा है। और गुड्डू ने गुब्बारे फैलाने शुरू कर दिए हैं, देखिए। और उधर चिंकी और गुड्डू दोनों अपने कार्य पे लग गई है, मतलब भी डेकोरेशन के लिए। फारू फारू सी और बहुत देर बाद आए, वे भी रोने लगे थे दोनों कि हमें भी यहाँ जाना है। गुड्डू चिंकू कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है बोल रहे थे। चिंकी गुब्बारे फुलाएगी तब तक मैं ये लड़ी लगा देती हूँ। तो मैंने इवर्ट्स निकाल लिए हैं, और अब मैं इन्हें पहले एक साथ जोड़ूंगी लाइन वाइज। इसमें रिबन भी आया है। और चिंकी ने काफी गुब्बारे फुला दिए हैं, और फुलाने के बाद उसके कुछ गुब्बारे नीचे चले गए थे सोफे के, जो बाहर निकाल लिए हैं। और गुड्डू ने भी बर्थडे की लड़ी बना दी है, बनाकर तैयार कर दी है। और ये गगन बड़े गुब्बारे फुला रहा है, और चिंकी भी देखिए दोनों बड़े गुब्बारे फुला रहे हैं। और लड़ी बनकर तैयार हो चुके हैं हैप्पी बर्थडे की। गगन और चिंकी गुड्डू दोनों लड़ी लगा रहे हैं, जो डेकोरेशन की जिम्मेदारी है गुड्डू चिंकी और गगन ने अपने आप लिया। मुझे आज कुछ काम करने नहीं दिया ज़्यादा, मैं और दूसरा काम निपटा रहा था, और ये अपना काम निपटा रहे थे। देखिए डेकोरेशन कितनी अच्छी कर चुके हैं, गुब्बारे लग चुके हैं, और डेकोरेशन बहुत सुंदर लग रही है। डेकोरेशन कैसी लग रही है आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। देखिए कितनी अच्छी डेकोरेशन आज गुड्डू चिंकी और गगन ने की है। और देखिए अरविंद चाचा जी और प्रीति चाची आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये आरुष भी आ चुका है, आरुषी दोनों आ गए हैं। दोनों प्रीति चाची और अरविंद चाचा जी साथ आए हैं उनकी बाइक पर, और केक कटने की तैयारी हो चुकी है। और सुनील चाचा जी बबली चाची भी आ चुके हैं, लेकिन जो क्लिप थी, जो थोड़ी सी वीडियो उनकी बनी थी आने की, वह पता नहीं किसी कारण डिलीट हो चुके हैं, जिस कारण उनका आने का आगमन आपको नहीं देख पाया। और इस बर्थडे में अपनी बड़ी बहन को मिस कर रहा हूँ, सोनिया को। और ये देखिए चौड़ा ठाटका अमित को, चल लिया यार। ये देखिए चौड़ा ठाटका अमित को हैप्पी बर्थडे केक खिलाते हुए, हैप्पी बर्थडे बनाते हुए अमित का चौड़ा ठाटका। दांत भी काले हो गए ग्रीन। भाई मेरे तो हाथ दुख लिए, तो नहीं कर रही। तो आप
तो आप सब पूछते ना बबली कौन है, सुनील कौन है, तो बबली मेरी चाची जी है, सुनील चाचा जी सब परिवार से ही है, जो ये सारी पाल फैमिली है, सब पाल फैमिली है। कैमरा पास। और आज हम पांच भाई बहनों में पहली बार किसी का केक कटा है और वो भी मेरा, तो आज घर में बहुत ज़्यादा खुशी थी। आप देख सकते हैं सबके चेहरे पर कितनी अच्छी मुस्कान है और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। खुशी का ठिकाना नहीं किसी का भी। और जब किसी का पहला केक कटता है उसको कुछ याद नहीं रहता, बस कुछ फ़ोटो खींच जाते हैं। अब के समय में पहले समय में फ़ोटो भी नहीं खींचते थे, लेकिन मेरा ये पहला बर्थडे को याद रहेगा बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरा परिवार भी बहुत ज़्यादा खुश है आज। और अरविंद चाचा जी और प्रीति चाची आप मुझे केक खिला रहे हैं, लेकिन मेरा पहला बर्थडे आज, पहले बर्थडे मान चलो आज मैं केक पहली बार काट रहा हूँ, तो मुझे अपना ये बर्थडे कई सालों तक याद रहेगा। देते हुए दोनों लड़ रहे हैं कि मैं दूंगी और मैं दूंगी, आपस में बोल रहे हैं। और देखिए और उसमें केक काट रहे हैं, उसके लिए हम तालियां क्लैपिंग कर रहे हैं। आदि तो आ रहा, तू बेफिक्र रहो। चलो चल चल सोनिया दीदी तो आई थी। और ये चारों बहन भाई बैठे हैं, अंकित, पूजा, अमित, गगन, और सोनिया की हो चुकी है शादी। और सोनिया मिस बहुत करेगी इस सेलिब्रेशन को। और ये यहाँ पर केक थोड़ा कटते हुए हम चारों बहन भाई आ चुके हैं, जो सफेद शर्ट में है गगन है, और मेरे बगल में पूजा, और फिर अंकित, इसका नाम दीपक भी है। और बड़ी बहन की सोनिया की शादी हो चुकी है, उसको बहुत मिस कर रहा हूँ मैं भी और फैमिली भी। और चारों बहन भाइयों ने हमने आपस में केक खिला दिया है। थैंक यू बड़े भैया, कह दो भाई गगन एक बार, चल उनको थैंक यू बड़े भैया केक खिलाने के लिए। पूजा का तो छोटा है। और केक कटने के बाद खाना शुरू हो चुका है, देखिए आरुष, चिंकी, उल्लू, मयंक सब खाना खा रहे हैं, और योगेश चाचा जी और अरविंद चाचा जी भी खाना खा रहे हैं। सबका खाना स्टार्ट हो चुका है, और खाने में बना है
आलू गोभी, मटर, छोले चावल और पूरियाँ बनियान पीहू को खिला रहा है अंकित। ये मोहन चाचा जी लड़के हैं, वे आए नहीं, और इधर खाना फौजी दादी बुआ भी खा रहे हैं, और सोन चाचा जी और बबली चाची प्रीति चाची जी और गगन सबको खाना खिला रहे हैं। माँ और पूजा बना रहे हैं पूरियाँ और मम्मी रसोई में बना रहे हैं रोटियाँ। और सबको खाना खिलाने के बाद अब चाचा जी भी खाना खा रहे हैं, और उधर सुनील चाचा जी हैं, वे भी खाना खा रहे हैं। और अब मैं भी खाना खा रहा हूँ। सब ने खाना खा लिया है, बस दो चार जने बचे हैं, मम्मी, पूजा और प्रीति चाची, बस यही बचे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगली वीडियो में आपको अपनी पूरी फैमिली से मिलाऊंगा, यानी कि अपनी पूरी फैमिली का परिचय आपसे कराऊंगा। तो अगली वीडियो के लिए बाय बाय, और सभी को राम राम।